हेलो गाइज, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग एंड गुड मॉर्निंग। और गुलमर्ग में आज हमारा दूसरा दिन है। कल रात को हम लोग गंडोला राइड करके आ गए थे और फिर आराम करने के लिए चले गए थे, सो गए थे। और इतनी ठंडी थी, ठंडी गर्मी करते करते सर्दी भी हो गई है। और अभी हम लोग जा रहे हैं सुबह सुबह ड्रंग वाटरफॉल। तो यहाँ से मतलब मेरे ख्याल से 7-10 किलोमीटर के आसपास है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। अभी गुलमर्ग में ही है जहाँ पे आई लव गुलमर्ग का लिखा हुआ, और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। तो ड्रंग वाटरफॉल जाने से पहले मैं आपको एक व्यू दिखा देता हूँ, फिर चलते हैं साथ में ड्रंग वाटरफॉल। तो देखो यहाँ पे आई लव गुलमर्ग का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं। तो प्योर आई लव गुलमर्ग नहीं देख पाएगा आपको, बीच में लोग दिखेंगे क्योंकि ऐसा ही व्यू है। लेकिन मेन जो चीज़ है वो है इसके पीछे, जहाँ कल भी हमारे होटल से व्यू आया था। ये देखो, इसके बहुत नज़दीक हम लोग कल गए थे, आप लोग देख ही चुके हो। लेकिन सुबह सुबह ये नज़ारा, जब हम लोग सुबह उठे थे सनराइज हो रहा था, तो और ही ब्यूटीफुल दिख रहा था। और जब अभी तो बर्फ़बारी उतनी हुई नहीं है तब ये है ऐसा, लेकिन जब बर्फ़बारी हो जाती है तो ये आपको गोल्फ कोर्स दिख रहा है, जो ये पूरा बर्फ़ की चादर में ढक जाता है। तो अगर आप जनवरी लास्ट तक आते हो तो आपको अच्छी खासी बर्फ़ मिलेगी, और ये पूरा बर्फ़ धक्का मिलेगा। एटलीस्ट ये आई लव गुलमर्ग वाला भी आपको ढका मिलेगा। अभी तो सब लोग बैठ के यहाँ पे बहुत ही फ़ोटो खींच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ोटो खींच रहे हैं। तो हम नहीं खिंचाएंगे ज़्यादा, क्योंकि बहुत लंबा वो मतलब वेट करना पड़ेगा, सब अपने अपना नंबर लगा के खड़े हुए हैं। तो ठीक है, हम लोग अभी ड्रंग वाटरफॉल जा रहे हैं। मैंने सोचा कि सुबह सुबह का ये व्यू अच्छा आ रहा है तो आपको दिखा दूँ। और ऐसे जाके देखें तो ये जो है अम्बरजाल, हम लोगों ने लास्ट मिनट पर बुक करा था। ये हमारा होटल है, तो एकदम यहाँ से सुबह सुबह खिड़की से इतनी अच्छी व्यू आ रही थी, जो कि मतलब उठते उठते ही एकदम मन खुश कर दे रही थी। तो ठीक है गाइज, फिर अभी हम लोग चलते हैं ड्रंग वाटरफॉल की तरफ और फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग ड्रंग जा रहे थे, लेकिन सोचा कि पहले कुछ खा पी लें। तो यहाँ पे गुलमर्ग में ही गंडोला राइड जो जाने वाला रास्ता है उसके जस्ट अपोजिट एक रास्ता गया, वहाँ पे खाने वाने के छोटे छोटे स्टॉल्स हैं बहुत सारे, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो बहुत सारे मतलब तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी आप खा सकते हो। हम लोग कल रात को एक जगह डिनर किए थे यहाँ पे, तो अच्छा ठीक ठाक था। नॉनवेज के लिए ज़्यादा स्पेशलिटी है इधर, लेकिन वेजेज के लिए कर चुके भैया, कर चुके। तो ये लोग यहाँ पे, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है, आप पैदल इजीली जा सकते हो, लेकिन सब आ जाते हैं कि भैया जा नहीं पाओगे, घोड़ा ले लो, अब फालतू का पैसा मांगते हैं। तो आप आओ तो बच के रहो, एकदम आराम से जा सकते हो आप पैदल गंडोला तक। और देखो इधर बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉल्स बने हुए हैं। तो ठीक है, इसी में देखते हैं कहीं एक जगह खाना खाते हैं। यहाँ से आप सीधे जाओगे जब तो आपको दिखेगा, और इधर ये पूरा व्यू ब्यूटीफुल सा, और इधर ये खाने पीने का। तो ठीक है, अभी जा रहे हैं फिर है ना, खाना खाते हैं। खाना क्या खाएंगे, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद आपको ले चलेंगे ड्रंग वाटरफॉल और दिखाएंगे कि पानी जमा है या फिर वैसा ही है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है तो वो पानी जम जाता है वाटरफॉल का, और नार्निया जैसा सीन हो जाता है थोड़ा। अभी तो शायद वैसा नहीं है क्योंकि उतनी ज़्यादा बर्फ़ भी नहीं पड़ी अभी। ठीक है, तो फिर चलते हैं ड्रंग वाटरफॉल और आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं ड्रंग वाटरफॉल, और यहाँ पे लोगों ने बहुत वो बना के रखा है। देखो ये जो गाड़ी दिख रही है, इस टाइप की गाड़ी, ये यहाँ से 3 किलोमीटर पहले ये बेवकूफ़ बनाना चालू कर देते हैं लोग कि कोई गाड़ी नहीं जाएगी, पर्सनल गाड़ी नहीं जाएगी, इसी से जाना पड़ेगा। लेकिन आप आ सकते हो बिल्कुल, जब अगर बर्फबारी नहीं है, जैसे कि ये देखो अब सामने मेरे रोड खाली है पूरी, तो आप बिल्कुल आ सकते हो बिना इसके। बस उनको स्ट्रिक्टली बताना पड़ेगा कि नहीं, हमारी जो गाड़ी गई हुई है हम जाएंगे, और कोई शायद सरकार के कोई परमिशन नहीं है ऐसा कि बिना इस गाड़ी के नहीं जा सकते। तो हम लोग अपने गाड़ी से ही आए हैं, इससे नहीं आए हैं, क्योंकि हमको पता चल गया था कि नॉर्मल गाड़ी भी जा सकती है। हाँ, जब हैवी रेनफॉल हो जाता है तब नहीं जा सकती वो गाड़ी। तो आप लोग भी अगर आएँ, अगर बर्फ़ नहीं हो तो उसमें ना पड़े फालतू के, आपको वो पैसे ले लेंगे थोड़े बहुत। और ये देखो मेरे सामने जो है वो ड्रंग वाटरफॉल है, मैं ले चलता हूँ आपको। और मुझे लग रहा है कि आर्टिफिशियल जैसा लग रहा है, ये वैसा नहीं है, नेचुरल नहीं है, इन्होंने आर्टिफिशियल बनाया है। आर्टिफिशियल नहीं बनाया, वैसे पानी तो आ ही रहा है ऊपर से, इन्होंने चैनलाइज किया है दूसरे, ताकि ये एक फाउंटेन की तरह, एक स्नोफॉल सॉरी
वाटरफॉल की तरह दिखे। और यहाँ पे अगर देखो आप, मैं यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। ये देखो, ये है व्यू पूरे इस वाटरफॉल का। यहाँ से ये ऊपर देखोगे, ऊपर से इन्होंने एक पाइप जैसा लगाया हुआ है जो ऊपर से बहुत सारा अमाउंट ऑफ पानी आ रहा होगा, तो अगर वो ऐसे गिरता तो इतना ज़्यादा फ्लो नहीं होता उसका, इसलिए इन्होंने चैनलाइज करने के लिए शायद से एक पाइप के थ्रू उसको भेज रहा है। और ये देखो, ये गिर रहा है नीचे। तो ये जो बहुत ज़्यादा ठंडी जब पड़ती है तो ये पूरा पानी जो है जम जाता है, तो वो और सुंदर दिखता है। और तो ये पूरा इस पहाड़ पर भी जब पूरा बर्फ़ आ जाती है तो ये जब नार्निया जैसा फील होता है, इसलिए इसको नार्निया इंडिया बोलते हैं। लेकिन वैसा कुछ अभी नहीं है, क्योंकि अभी तो स्नोफॉल का कोई नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। तो बस यही है व्यू, और यही देखने के लिए आया था। मैंने सोचा कि थोड़ा दूर है तो देख लेते हैं। बाकी ये देखो, ये नीचे एक पुल है जिससे हम लोग आए हैं, और अच्छा व्यू है। वन टाइम आप आ सकते हो, जब बर्फ़ है तो बिल्कुल आना बनता है, क्योंकि बहुत ही सुंदर दिखता है। अभी तो नॉर्मल है तो ठीक है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं यहाँ दिखाने के लिए। ऊपर यहाँ पे छोटे छोटे दुकान बने हुए हैं, स्टॉल्स हैं जो कि आप खाना पीना खा सकते हो। और यहाँ पे फोटो सिंक पॉइंट है जहाँ लोग फोटो खिंचा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये सब लोग फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। तो एक पॉइंट है, तो यहाँ से अच्छा आ रहा है इसका। ये देखो, ये पूरा यहाँ हल्की हल्की बर्फ दिख रही है, तो अच्छा ना जा रहा है ये पूरा व्यू। वो भी पॉइंट है, लेकिन वहां पे अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, ये मेन वाटरफॉल ही था दिखाने के लिए, तो दिखा लिए। बाकी ये ट्रंक वाटरफॉल का ब्लॉग यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी दूसरे ब्लॉग में, तब तक लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए स्ट्रीट ब्लॉगर। बाय बाय।